एस से स्कूल और टी से टू मतलब टू और कोचिंग यानी सी सर कॉस्ट ठीक है ये मैंने लिखा इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो मैंने लिखा कॉस्ट ठीक है होता है सर लो तीनों को बता देना पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर ये आपके लिए होमवर्क है सर। अब मैं आपको बता दूं सर टेन थीटा या टेन ऐसे लिखो कि टेन नब्बे डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तब क्या बता दूं। इस गर्मी वाले मौसम में सर्दी वाला नमस्कार क्योंकि हमको सर्दी हो चुकी है इसलिए ठीक है। नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल योद्धा अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है ना। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं सर एकदम गौर से देखिए सीधा दिमाग में जाएगा। तो जो बच्चे क्लास इलेवेंथ में है ना क्लास इलेवेंथ में हो या फिर ट्वेल्थ में हो है ना अगर इन क्लास में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं सर तो इस वीडियो में मैं टोटल आपको 48 फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। क्या फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं टोटल 48 मतलब 48 फॉर्मूला। अब ये कौन सा फॉर्मूला तो ट्रिगोनोमेट्री का मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं इस बात को ध्यान रखना है ना। त्रिकोणमिति का देखो त्रिकोणमिति जो है इलेवेंथ में भी है और ट्वेल्थ में भी है ठीक है तो दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो एकदम महत्वपूर्ण है तो देखना अनिवार्य है मेरे भाई ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं योद्धा एकेडमी प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कीजिएगा वहां पे योद्धा एकेडमी तो मिल जाएंगे वहां पे भी क्लास चलती है तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं डेमो देख लीजिए ना कितना बेहतरीन से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। रटना तो है ही नहीं एकदम कंसेप्ट को समझना है तो कंसेप्ट को समझने से पहले आपको क्या करना है सर क्या करना है मैं कुछ ऐसे में पूछूं फॉर्मूला कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा लेकिन वही मैं पूछूं कि साइन 90 डिग्री और प्लस थीटा बराबर क्या होता है तो आप मुंह बा देते हो क्यों क्योंकि आपने टेंथ में तो यह पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा लेकिन टेंथ में यह नहीं पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है इसलिए यहां पे दांत खिसर देते हो है ना। तो दांत बिल्कुल नहीं खिसरना है सारा चीज मैं कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा अपने भाई पे विश्वास रखो सीधा दिमाग में ठोक दूंगा ठीक है। तो ये सब तो आएगा बहुत सारे टोटल 48 फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट क्लियर करूंगा सारा चीज भेजा में जाएगा ठीक है। तो और यार समझाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से तो सबसे पहले कंसेप्ट समझो कंसेप्ट इज पावर है ना। कंसेप्ट अगर आपके पास है तो कहीं भी आप जलवा दिखा सकते हो ठीक है। तो आइए सर सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं तो हम यहां से क्या करेंगे सर क्वाड्रेंट बना लेंगे है ना। हाँ नेक्स्ट पेज ले लेते हैं सबसे अच्छा ये वाला पेज में सही रहेगा है ना। यहां पे देखो सर मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं है ना ये वाइट कलर में देख लो सीधा है ना। हाँ सीधा तो होना ही चाहिए नहीं होगा तो टंगरी हाथ जरूर तोड़ देंगे। फिर से आप क्या करो एक लाइन खींच लो मैंने यहां पर खींच लिया कोई दिक्कत ये मैंने क्वाड्रेंट बनाया है ना ये मैंने बना लिया सर। अब इसमें क्या करना है आपको सबको पता है कि ये वाला हमारे पास एक्स अक्ष होते हैं और ये वाला हमारे पास वाई अक्ष होते हैं। इन पर कंसेप्ट क्या लागू करना है कि ये जो हमारे पास होता है जीरो डिग्री से स्टार्ट होता है और 90 के अंतराल में घूमता रहता है। कहने का मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं ये हमारे पास जीरो डिग्री और 90 के अंतराल में चलता है जीरो डिग्री और 90 के अंतराल मतलब 0 डिग्री के बाद सीधा दोनों के बीच में 90 का अंतराल होना चाहिए तो 90 डिग्री ये होगा कितना होगा ये 90 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री 90 90 के अंतराल में चलना मतलब 90 दुना कितना होगा ये हमारे पास 180 डिग्री होगा और ये हमारे पास कितना होगा तो 9 3 27 यानी ये हमारे पास 270 डिग्री होगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा तो 270 में 90 जोड़ दो यानी 360 डिग्री हो जाएगा राइट। ये हमारे पास आ गया है ना 9 दुना 18 9 3 27 9 चौक 36 ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास आया डिग्री में वैल्यू आया तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे सर तो इसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जीरो डिग्री को रेडियन में जीरो ही बोलते हैं 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं सर पाई बाई टू बोलते हैं ठीक है। पाई का मान कितना होता है सर तो पाई का मान होता है 180 डिग्री इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पे मैंने पाई बाई टू लिखा मतलब क्या हुआ कि पाई का मान 180 डिग्री होता है बट्टा में दो जब भाग देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा मतलब 90 डिग्री को रेडियन में आप पाई बाई टू भी लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने सर कंसेप्ट के साथ समझ लिया मेरे भाई। वही मैं आपको बताऊं कि सर ये बताइए कि 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं तो आप पाई लिख दो ना
क्योंकि पाई का मान ही तो होता है 180 डिग्री, तो पाई बराबर यानी 180 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत, हवट, खुजली, परेशानी नहीं ना होगा तो डॉक्टर से इलाज करवाइए, अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास आइए, क्योंकि हम ही हवट, खुजली, परेशानी का जड़ है तो हम ही मिटाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करके, है ना। दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मतलब दूसरे टीचर के पास नहीं जाना है, हम ही डाउट क्लियर करेंगे, ना तो उन्हीं से मार के भगा देगा, है ना। तो इधर हम गर्म पट्टी से सेक उक देंगे, है कि नहीं। ठीक, तो ये आपने देखा सर, अच्छी बात है, रेडियन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें कंसेप्ट क्या है सर, जैसे ये हमारे पास क्या है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सबको पता है। देन ये हमारे पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास क्या है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास क्या है सर तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत सर, तो ये आपने समझ लिया सर। अब मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो आपने समझ लिया सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक होगा, है ना, और कॉट हो गया। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, मैं यहां पे लिखूंगा। तो यहां पे मैं ट्रिक अप्लाई करूंगा, ट्रिक आपका नाम, ट्रिक का नाम क्या है सर, तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, यहां पर ट्रिक अप्लाई करना, आफ्टर, ए से आफ्टर, एस से स्कूल, और टी से टू, मतलब टू, और कोचिंग यानी सी। तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये आप ट्रिक याद रखना, क्यों मैंने लिखा इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। आफ्टर ए जो मैंने लिखा ना, ए से मतलब ऑल, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे के सारे इसमें होते हैं और सभी प्लस वाले होते हैं। तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सर वो आप लिख लो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे कि साइन हो गया, है ना, कॉस हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, टेन हो गया। इसी के साथ साथ और भी है सर, कौन कौन है सर, तो वो है कॉसेक हो गया, है ना, उसके बाद सेक हो गया, उसके बाद कॉट हो गया। तो ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सर हमारे पास, कितने, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस वाले होते हैं, माइनस वाले नहीं होते हैं, प्लस वाले होते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एस जो लिखा है, मतलब समझो कि इससे ट्रिक साइन, है ना, क्या हुआ, एस यानी साइन, तो हम लिख देंगे साइन थीटा, और इसके जो साथ वाला जो रहता है साइन के साथ, वही जो अपोजिट में चलता है साइन के साथ, कॉसेक चलता है, तो वो कॉसेक लिख लेना। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक थीटा होते हैं, और यही दोनों प्लस में होते हैं, बच गया चार, वो चारों क्या होते हैं इसमें, माइनस के होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस के होते हैं, बाकी चारों के चारों माइनस में होते हैं। बाकी चार कौन कौन बच गया, बच गया हमारे पास टेन थीटा बच गया, कॉस थीटा बच गया, उसके बाद कॉट थीटा बच गया, और सेक थीटा बच गया, वो चारों के चारों इसमें माइनस वाले होते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टी है, टी से ट्रिक यानी टेन, है ना, क्या टेन मेरे भाई, लिख दो टेन, यहां पर लिखेंगे तेरी के, रेड आ रहा है, आना रे मेरे भाई, मजाक कर रहा है, बहुत मार मारेंगे तोरा के रे। टेन थीटा हो गया, टेन के साथ कौन चलता है इसका भाई, कॉट चलता है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस वाले होते हैं, बाकी के वो जो चार हमारे पास बच जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, वो इसमें माइनस वाले होते हैं। इन इन दोनों के अलावा बाकी बच गया साइन, बच गया कॉस, बच गया सेक, बच गया कॉसेक, बच गया, वो चारों के चारों इसमें ऋणात्मक होते हैं। लिख नहीं रहे, समझ जाएगा बच्चा, क्योंकि हम उसको तो पता है कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, दो यहां पे लिख देता, चार तो क्या कौन कौन है वो तो दिमाग में बैठाइए लेगा, इतना बड़का तो बुर्बकता नहीं है, है ना। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कॉस है हमारे पास, कॉस थीटा, और कॉस थीटा के साथ साथ कौन इसका भाई चलता है, सेक थीटा चलता है ना, तो सेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं प्लस में, और बाकी जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए वो इसमें ऋणात्मक वाले होते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है, अब इससे हम फॉर्मूला का निर्माण करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा, गौर से देखना, जैसे कि ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, और 270 डिग्री है, और यहां 360 डिग्री है। तो ऐसे चल रहे हैं तो मतलब क्या नजर आ रहा है कि बढ़ते क्रम चल रहे हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, मतलब क्या है, बढ़ते क्रम जा रहे हैं, इसे क्या जा रहे हैं, बढ़ते क्रम। लेकिन यही रिवर्स मारेंगे 360 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री, मतलब फिर ऐसे अगर जाएंगे तो ये हो गया घटते क्रम। तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम में हमने जोर क्यों डाला, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि फॉर्मूला निर्माण करेंगे तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम का नियम लागू होता है, ठीक है। बढ़ते क्रम में कब घुसते हैं, जब कोई प्लस वाला रहता है,
और घटते क्रम में कब उजते, जब माइनस वाला रहता है। आगे देखेंगे, अभी समझा दिए, कह दिए कि प्लस माइनस क्या है, दिमाग में से उड़ गया होगा, है ना। आगे देखिए ना, समय ये तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम मैंने समझा दिया। अब चेंजिंग पॉइंट में आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति में कुछ चेंजिंग पॉइंट है, वो समझो कि कौन क्या चीज में बदलता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबको पता है सर कि साइन थीटा बदलता है किस में, कॉस थीटा में, है कि नहीं। साइन थीटा किस में बदलता है, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा भी तो बदलता है सर साइन थीटा में, है ना। तो ये मैंने लिखा। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बदलता है किस में सर, टेन थीटा बदलता है कॉट थीटा में। तो सर कॉट थीटा भी तो बदलता है टेन थीटा में, ये आपको पता होना चाहिए। ये चेंजिंग पॉइंट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब उसके साथ साथ अब मैं क्या बताऊंगा कि जैसे कि सेक थीटा बदलता है किस में सर, कॉसेक थीटा में। तो सर कॉसेक थीटा भी तो बदलता है सेक थीटा में। तो ये तीन जो चीज मैंने लिखा चेंजिंग पॉइंट है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर ये चेंजिंग पॉइंट तो बता दिए, लेकिन ये चेंज कब होता है। तो ये चेंज कब होता है सर, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है, बाकी पे चेंज नहीं होता। यानी 360 डिग्री और 180 डिग्री पर चेंज होबे नहीं करता है। ये चेंज किस पे होता है, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपने चेंजिंग पॉइंट समझ लिया, बढ़ते क्रम घटते क्रम मैंने बता दिया। अब जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, तब दिमाग में ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक मैंने जो जो बकबक किया, तुम्हारे दिमाग में तो यही बैठे कि सर क्या आलतू फालतू बक रहे हैं। सीधा मुद्दे पे आइए ना। तो ये मैंने बकबक कर लिया ना, तो अब मुद्दे पे आता हूं, सीधा दिमाग में जाएगा गोली के रफ्तार से, है ना। तो आइए समझाता हूं एकदम प्यार से, धीरे धीरे आस्ते आस्ते मैं आपको समझाऊंगा। पहला एकदम बउआ वाला क्वेश्चन देता हूं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेंथ वाला बच्चा तो सीधा उठ जाए कॉस थीटा बोल देगा। लेकिन बोलना नहीं है, कंसेप्ट को समझो, यहां पे लागू करो कि आखिर कैसे होता है। तो आइए, पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो सर ये बताइए कि यहां पे 90 डिग्री है, तो मैंने क्या बोला कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है। तो यहां 90 डिग्री है मतलब यहां पे चेंज होगा, तो चेंजिंग पॉइंट यहां पे लिख दिया कि साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। तो ये साइन है, तो साइन किस में चेंज होगा सर, कॉस में। तो हम यहां पर लिख देंगे आसानी से सर कॉस, तो हमने लिखा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बात आती है कि 90 डिग्री में से कुछ घट रहा है, थीटा घट रहा है मतलब कुछ घट रहा है। अब घट रहा तो घटते क्रम में चलेंगे, तो 90 डिग्री का कंसेप्ट था, तो 90 डिग्री पर जाओ और घटते क्रम में चलो। तो अगर 90 डिग्री से इधर आएंगे तो इधर 180 डिग्री मतलब बढ़ते क्रम में आ रहे हैं, और 90 डिग्री से इधर जाएंगे तो घटते क्रम, क्योंकि यह 0 डिग्री है। तो इधर गए तो घटते क्रम, तो घटते क्रम में गए तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मुलाकात होगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस में ही होते हैं, मतलब साइन भी क्या होंगे, प्लस में ही होंगे। तो यहां पे आप प्लस लिख सकते हैं, प्लस के कॉस थीटा, यही हमारे पास आंसर आ गया, क्लियर। प्लस भूत प्रेत की तरह छिपा होता है, आप ना दिखाइए तो भी चलेगा, है ना। तो अब मेरे भाई, है ना, क्योंकि दिखा दोगे तो डर जाते हो कि सर का है दिखा दिए, प्लस का है, रे हे वो पहले से छिपल रहता है, दिखा चाहे ना दिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन दिखा देते हैं तो थोड़ा सा डर लग जाता है, जैसे भूत दिख जाता है ना तो डर लग जाता है, लेकिन रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर दिए, अगर मैं पूछूं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे सर, है ना। क्योंकि ये तो समझ गया टेंथ में, लेकिन ये आ गया इलेवेंथ ट्वेल्थ में, है ना। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले देखो कि यहां 90 डिग्री दिया गया है, तो कहना कि पंकज सर बताए हुए हैं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है, तो 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री पे चेंज करेंगे, यानी साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है। तो आप लिख देंगे सर कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो मैंने लिखा कॉस थीटा, दिख रही है ना, तो ये मैंने लिखा कॉस थीटा। अब 90 डिग्री में कुछ जुट रहा है, थीटा ही जुट रहा है मतलब कुछ जुट रहा है। अब कुछ जुट रहा है तो हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में चलते हैं। अगर घट रहा हो तो घटते क्रम में, और जुट रहा हो तो बढ़ते क्रम में।
तो यहां पे कुछ जुट रहा है तो मतलब बढ़ते क्रम है, 90 डिग्री तो 90 डिग्री से इधर देखो, अगर इधर आएंगे तो बढ़ते क्रम क्योंकि यहां 90 डिग्री इधर 180 डिग्री है, उधर जाएंगे तो घटते क्रम क्योंकि यहां 0 डिग्री है, तो घटते क्रम में नहीं, कुछ जुट रहा है तो बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको मुलाकात होगी और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा ये प्लस के होते हैं बाकी माइनस के होते हैं। तो अब यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे साइन कर रहा था और यहां पे साइन पल्स में होता है तो आप इसको कॉस थीटा को प्लस कर सकते हैं, ये मैंने प्लस कर दिया, ये आ गया ना हमारे पास आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए, अगर दिक्कत है तो फिर प्रॉब्लम आप फेस करो, हम नहीं, इतना रिस्क नहीं लेंगे रे भाई, है ना, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, ना समझ में आ रहा है मतलब तुम्हारा दिमाग में भूसा भरल हो, ऐसे ज्यादा हम क्या बोलेंगे, है ना। हम कहते हैं कि मतलब कुछ सर जी कहते हैं कि सब ध्यान लगा के पढ़ो, अरे हम कह रहे हैं ना ध्यान हटा के पढ़ो। आप कहोगे का है, हमारा ना पता है कि तुम्हारे ध्यान कहाँ है, वहां से हटाओ आ तब पढ़ो, समझा ठीक है, इधर उधर मत भटको। चलिए ये आपने समझ लिया सर, तो साइन का कंसेप्ट समझा। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि मान लो कि अगर कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा पूछ दिया तो क्या बताओगे सर। तो सबसे पहली बात है कि चेंजिंग पॉइंट समझो कि यहां पे 90 डिग्री दे रखा है तो 90 डिग्री पर चेंज होता है ना, ये कॉस है ना, तो कॉस किस में बदलता है सर, कॉस बदलता है साइन में, कॉस किस में बदलता है साइन में, मतलब देखो ये तो सब आते बता, जब ले लिए तो बता ही देते, कॉस बदलता है साइन में, तो साइन ले लो सर, साइन ले लिया। अब देखो 90 डिग्री में से कुछ घट रहा है ना, तो 90 डिग्री में से अगर कुछ घट रहा है तो घटते क्रम मतलब इधर, है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस में ही होते हैं सब त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ये कॉस है तो कॉस वाला भी क्या होंगे प्लस में ही होंगे, तो ये प्लस का हो जाएंगे, है ना, ये बेकार ले लिए, तो वह क्वेश्चन था सिंपल था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि अगर हम ले ली यहां पे कि 10 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सर, 10 थीटा या 10 ऐसे लिखो कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तब क्या बताओगे। तो सिंपल सी बात है, 90 डिग्री पे चेंज होता है, 10 किस में बदलता है सर, तो 10 बदलता है कॉट में, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा। अब मेरे भाई इतना, अरे नहीं दिख रहा है, कॉट थीटा ना, क्या होता है सर, कॉट थीटा होता है 90 डिग्री पे चेंज, 90 डिग्री में से कुछ घट रहा है, घट रहा है मतलब घटते क्रम, तो इधर तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पल्स में होता है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, पल्स में ही होगा, सिंपल है ना, लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। अब यहीं पे एक चीज समझो कि ये 10 है तो 10 लिखोगे, 90 है तो 90 लिखोगे, अब प्लस वाला डाल देते हैं, अब क्या होगा रिजल्ट कि 10 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है सर, तो क्या जवाब दोगे, है ना, तो 10 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है सर, तो वो मैं आपको बताता हूं सर। देखो क्या है ना कि 90 डिग्री पे तो चेंज होता है, अच्छी बात है, तो मेरे भाई 90 डिग्री पे अगर चेंज हो रहा है तो चेंज करेंगे, 10 किस में बदलता है कॉट में, तो कॉट में बदल दिए। अब 90 डिग्री में से कुछ जुट रहा है, जुट रहा है मतलब बढ़ते क्रम, तो 90 डिग्री में से कुछ जुट रहा है तो इधर बढ़ते क्रम है, 90 डिग्री 180 इधर ना बढ़ते क्रम, तो इधर चलेंगे, तो ये आप कहां मिलेंगे सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में सर देखिए क्या है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता चलेगा सर साइन और कोसेक केवल प्लस का है, बाकी वो जो 4 बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात वो माइनस को होगा, इसका मतलब 10 भी बच रहा है उसमें शामिल है, तो 10 भी माइनस का होगा, तो यहां पे डायरेक्ट माइनस का कॉट थीटा आप लिख सकते हैं, मतलब 10 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर में माइनस के कॉट थीटा, ये आपने समझा। अच्छा इस चीज को ऐसे भी पूछा जा सकता है सर, कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कैसे, तो ऐसे पूछा जा सकता है, ये कलर ले लेते हैं। देखो मेरे भाई अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा है, साइन 90 डिग्री माइनस अगर थीटा पूछा है, तो 90 डिग्री को यहां पे पाई बाई 2 भी तो लिख सकता है, यानी ऐसे भी पूछ सकता है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो भी कहेंगे कॉस थीटा, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, ठीक है, कंफ्यूज होगा तो फिर दिक्कत है ना, तो 90 डिग्री के जगह पे आप पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। तो ये आपने समझा सर,
जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, इन सभी पर लिख करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं। टोटल छह त्रिकोणमितीय अनुपात है, है ना। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे 12 को पूर्ता है एक एक खाना में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में से भी 12 का सूत्र बनेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट से भी 12 का सूत्र, थर्ड से भी 12 का सूत्र और फोर्थ से भी 12 का सूत्र बनेंगे, तो टोटल 48 सूत्र का निर्माण हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपने 90 डिग्री पे समझा, कंसेप्ट समझना है, उसके बाद तो हम तो बनाते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा, है ना। समझ जाओ कंसेप्ट, 90 डिग्री पे आपने सीखा, क्यों ना हम एक बार 180 डिग्री पे सीखें। तो आइए 180 डिग्री पे सीखते हैं सर। तो इसको हम क्या करें, जलवा है इस सब का तो मिटा देते हैं, कुछ और बोलने वाले थे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे भाई देखो, मेरे भाई आपको 180 डिग्री, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे। तो मैंने क्या बोला कि चेंज होता है केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री पर, ये दोनों चलवा पर चेंज नहीं होता, जो ऐसा है वैसी रहेगा। मतलब ये साइन है ना तो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइने रहेगा, क्या हो जाएगा सर, साइन है ना तो साइने रहेगा। किसी का कॉल आ रहा है, पिंकी यादव, लेकिन उठाएंगे नहीं अभी, व्हाट्सएप पे कॉल है ना, धियापुता सब कॉल कर दिया है, अब देख लिए, पढ़ लिए तो पढ़ लिए, है ना, क्या दिक्कत है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन है ना सर तो 180 पे चेंज नहीं होता है, तो आप साइन ही ना लिखेंगे, तो हम साइन लिख दिए। अब मेरे भाई देखो 180 डिग्री में से कुछ घट रहा है, घट रहा है मतलब घटते क्रम में चलेंगे, तो देखो 180 डिग्री ये है, अगर नीचे आएंगे तो 270 डिग्री मिलेगा, मतलब इधर बढ़ते क्रम है, हमें तो घट रहा तो घटते क्रम, 180 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री, मतलब इधर घटते क्रम है, है ना। तो इधर घटते क्रम तो इधर चलेंगे, तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में मुलाकात होंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल प्लस का होता है, तो यहां साइन है तो यह प्लस का ही हमारे पास रिजल्ट होगा। तो ये आपने देख लिया। मान लो कि अगर आपसे पूछे कोई, क्या पूछे सर, जो पूछना है पूछो सनम, है ना। तो देखो साइन है तो साइन, अब 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो अब हम क्या लिखते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं, है ना, तब क्या होगा सर बताओ। तो मेरे भाई साइन 180 डिग्री पे तो कोई चेंज होता ही नहीं है, कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन है तो आप लिखो साइन ही, हमने लिख दिया साइन। अब 180 डिग्री में कुछ सर जुट रहा है, कुछ क्या है, जुट रहा है, तो भाई मेरे कुछ जुट रहा है मतलब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में चलेंगे, 180 डिग्री ऊपर जाएंगे तो घटते क्रम, इधर चलेंगे तो बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में चलेंगे तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मुलाकात होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट केवल प्लस का होता है, बाकी सारे के सारे ऋणात्मक होता है, इसका मतलब साइन भी ऋणात्मक होगा, तो मतलब इसका रिजल्ट माइनस के साइन थीटा आएगा। क्लियर, ये सूत्र आ गया कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो माइनस के साइन थीटा, ये हमारे पास सूत्र निकल करके आ गए। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे भाई इसको ऐसे भी तो पूछ सकता है ना, है ना, घुमाने के लिए कि बच्चे के पास दिमाग है कि नहीं। 180 को ऐसे लिख देगा पाई, कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर बताओ, क्योंकि 180 डिग्री के ही बराबर तो होता है पाई, तो साइन पाई माइनस थीटा पूछे तैयो कहेंगे साइन थीटा, है ना, या फिर साइन पाई प्लस थीटा पूछे तो कहेंगे माइनस साइन थीटा। क्लियर, सिंपल, ये सब आपको आना चाहिए सर, है ना, ये आपने समझा। अब मेरे भाई कुछ भी ले लो ना, मान लो कि सर हम यहां पे क्या लेते हैं, सर क्या ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हम यहां पे लेते हैं टेन 90 डिग्री प्लस थीटा ले लेते हैं, तब क्या होगा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा बताओ, 90 डिग्री पर तो बना लिए ना, दूर अलग लेते हैं 180 पर, कि चलो टेन 180 क्या 180 डिग्री प्लस थीटा हम ले लेते हैं, तब बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा। 180 पे चेंज नहीं होता है, मतलब टेन है तो टेन ए थीटा रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब सर यहां पे हम क्या करेंगे कि 180 डिग्री प्लस थीटा है ना, ठीक है, 180 में कुछ जूट रहा है, तो जूट रहा है तो बढ़ते क्रम, तो 180 में जूट रहा है इधर बढ़ते क्रम है, तो टेन और कॉट यानी बढ़ते क्रम मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मुलाकात होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस का होता है, मतलब ये टेन है तो टेन पल्से का, यानी पल्से का रिजल्ट आएगा, यानी टेन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये आपने देख लिया सर, कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत मेरे भाई, है ना। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको समझाता हूं एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। इसमें कोई हवट खुजली परेशानी ना ही होना चाहिए रे भैया, है ना। 180 पर देखा, क्यों ना हम 270 पर देख ले। मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सर आप क्या जवाब देंगे, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब एक ही होगा, है ना। क्या होगा, देखो साइन 270 डिग्री, मैंने क्या बोला कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है, है ना, तो बाकी पर चेंज नहीं होता है। तो इस दोनों पर चेंज होता है, साइन चेंज होगा किस में, तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो हम लिख देंगे सर कॉस थीटा, हमने लिखा। अब 270 डिग्री में से कुछ घट रहा है, मतलब घटते क्रम, तो 270 डिग्री में से कुछ घट रहा है मतलब रिवर्स मारेंगे, उधर जाएंगे तो 360 डिग्री मिलेगा, मतलब बढ़ते क्रम मिल जाएगा। तो जब हम रिवर्स मारेंगे तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मुलाकात होगी, थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी चारों के चार जो बच गए वो ऋणात्मक होते हैं, मतलब साइन भी ऋणात्मक होंगे, मतलब ये माइनस का रिजल्ट आएगा। मतलब ये हो गया कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। ये आपने बेहतरीन तरीके से समझा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर अच्छी बात है। अब क्या करेंगे सर, अब जो करना है वही करेंगे, है ना, ये आपने देखा। अब वही मैं पूछूं कि साइन, तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे। 270 डिग्री पे चेंज होता है, साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है, तो कॉस थीटा लिखो। अब मेरे भाई 270 डिग्री में कुछ जुट रहा है, तो 270 डिग्री में कुछ जुट रहा है तो आगे बढ़ेंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, इधर बढ़ते क्रम है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिले। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस का होता है, है ना, लेकिन कॉस और सेक प्लस का होता है लेकिन बाकी के चारों माइनस का होता है, तो इसमें तो साइन नहीं है, तो यानी साइन माइनस का होगा, तो यहाँ पे माइनस का कर सकते हैं, यानी माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा सर, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। डिसाइड करता है इधर जो रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उससे डिसाइड करता है, इससे नहीं, ये डिसाइड करता है कि ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा, ठीक है। ये आपने देख लिया 270 डिग्री पर, आप चाहो 270 के साथ साथ और भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, सब ले सकते हैं। मान लो 360 डिग्री पर देख लो, है ना, मान लो कि यहां पर जैसे कि कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो 360 डिग्री पे नो चेंज, नहीं चेंज होता है, 90 और 270 पे चेंज होता है, है ना। तो कॉस है तो कॉस रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, है ना, चेंज नहीं होता है। 360 डिग्री में कुछ जुट रहा है, अब 360 डिग्री में कुछ जुटेगा, इधर तो घटते क्रम है, इधर जाएगा, यानी 360 डिग्री में कुछ जुटेगा तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फेंक देगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस में ही होते हैं, मतलब ये भी प्लस का ही होंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आपको 48 फॉर्मूले का निर्माण आप कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कैसे, वो मैं आपको बताता हूं ऐसे। कैसे, तो ऐसे, जैसे कि मैं लिखूं कि साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर कितना होता है, तो सर कहते हैं कि कॉस थीटा होता है। मैं वही पूछूं कि साइन हो गया, अब कॉस पर लिखो, लिखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन थीटा होता है, है ना। वहीं अगर मैं पूछूं, क्या पूछूं सर, है ना, बहुत कॉल आता है, है ना, वही मैं क्या पूछूं सर, साइन कॉस हो गया। अब मान लो कि मैं पूछूं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉट थीटा होता है। वही पूछूं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे टेन थीटा होता है सर, है ना। अगर वही मैं पूछूं, वही मैं क्या पूछूं कि अगर सेक, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे, तो आप देंगे कॉसेक थीटा होता है, है ना। वही मैं पूछूं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक थीटा होता है। अब मेरे भाई गौर से देखो कि पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और छठा हो गया, तो ये हमारे पास टोटल के टोटल 6 फॉर्मूले हुए। तो
तो आप कहोगे सर 12 कैसे निर्माण हो गया, तो एक बार माइनस करके देखा किस पर, आपने देखा कि टोटल साइन कॉस टेन जो भी है कंसेप्ट वो 90 पर मैंने देखा, अभी 90 पर एक बार माइनस का, फिर 90 पर एक बार प्लस का हो जाएगा, है ना, यानी प्लस पर मिला दो, क्या मिला दो सर, ये सारे के सारे एक बार प्लस का हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो 90 पर प्लस करके फिर निकाल लेना, फिर उसी तरीके से 90 हो गया, फिर 180 पर ये 6 निकलेगा माइनस का, फिर प्लस का निकल जाएगा 180 पर, फिर 270 पर निकल जाएगा 6 के 6 फॉर्मूला, फिर 270 पर प्लस वाला निकलेगा, फिर 360 डिग्री पर निकलेगा। तो ऐसे कर करके टोटल 48 फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं, सभी पर मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दिया हूं मेरे भाई, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर अभी भी कोनो कन्फ्यूजन है तो ना कन्फ्यूजन से पहले को क्वेश्चन दे दे, क्या क्वेश्चन दे देते हैं, लो क्या क्वेश्चन दे, यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं सर, मान लो 360 पर या 217 पर दे देते हैं, चलो मान लो कि अगर मैं दे दूं कि सेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप कमेंट करके हमें बताना, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, आप हमें कमेंट करके बताना सर, है ना, या फिर टेन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, ये भी हमें कमेंट करके बताना सर, या फिर टेन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, लो तीनों के बता देना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये आपके लिए होमवर्क है सर। अब मैं आपको बता दूं सर, है ना, डिस्कस कर लेते हैं सर, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से और भी अच्छे तरीके से क्लास करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन योद्धा अकेडमी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, ऐप है हमारे पास, है ना, कौन सा ऐप, एप्लीकेशन का नाम है, देखो मेरे भाई 11th हो गया है ना, और 12th के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है योद्धा अकेडमी, है ना, योद्धा अकेडमी एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, है ना, 11th और 12th के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास चलती है, तो जरूर जुड़े। अगर आपको सर आपका भाई है, क्योंकि 11th 12th में अगर आपका छोटा भाई है, है ना, अगर वो 10th में या 9th में पढ़ता है, किसमें 10th हो गया या फिर 9th हो गया उसमें पढ़ता है, तो उसको कहना कि हमारे दूसरा चैनल पंकज, पंकज स्टडी सेंटर, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के लिए प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो ये दोनों एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। तो सर आपसे हम विदा चाहते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।